माई टू फैमिली जेरी हूँ जय उत्तरगन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम बारात में, किसी दूसरे गांव की बारात है तो हमें इनवाइट है, तो हम जा रहे हैं अभी बारात में। तो आपको दिखाऊंगा कैसे होती है बारात और बारात में डांस वगैरह और पहाड़ी जो छोलिया बाजा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक जरूर देखें। तो हम निकल गए घर से, जा रहे हैं आज कहीं दूसरे गाँव की बारात है। उसमें राणा जी फुल आज ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, कुछ तो बात है आज, कुछ तो बात है, ये राज की बात। तो पहुंच गए हम डंडेश्वर, क्योंकि मेन डंडेश्वरी है अपना, यहीं से गाड़ी वगैरह यहीं से जाती है। तो पहुंच गए और आपको करवा देते हैं शिव जी के दर्शन। जय शिव शंकर। तो यही मोक्षर धाम से बारात जा रही है, डंडेश्वर के ऊपर मोक्षर धाम है, वहीं से बारात जाएगी आज। तो अभी वहां जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहां है बारात, अभी अंदर जाके दिखाते हैं आपको। और ये पहुंच गया बारात। और मोक्षर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं, आप देख सकते हो अच्छे से 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। बारात जा रही है दुल्हन के घर की साइड, अब निकलेगी क्योंकि बारात जाने का टाइम हो गया। ये देखो सारे लगे हैं और यहाँ से जाएगी, ये है दूल्हे की गाड़ी और यहाँ से सारी रोड पे गाड़ियाँ लगी है, यहाँ लगी है काफी 20-25 गाड़ियाँ हैं और फिर जाएंगे हम दुल्हन के घर। तो अभी चल रहा है लेडीज पार्टी का डांस और आ रही हूँ बारात को छोड़ने, रोड तक आएंगे तो देख सकते हो आप लोग। पहुंच गई अब रोड में और रोड से बैठेंगे गाड़ियों में। ये देखो बाबा जी बजा रहे हैं शंख यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे को, ये जा रही है गाड़ी नीचे और ये है धनिया से थोड़ी आधा किलोमीटर ऊपर से रोड कट रखी है। और यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम तो पता नहीं, पर जा रहे हैं हम इस साइड, तो आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पक रखे हिसालू और सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे हिसालू। भाई दोस्तों आप भी खाओ। ये देखो ये हमारे उस्ताद जी भी हैं यहाँ पे, शंकर जी, वो भी ले रहे हैं हिसालू आज दबा के और हम भी खाते हैं हिसालू। यार ये देखो बहुत सारे पक रखे हैं यहाँ पे, ये रास्ता दूसरी जगह से है बट हम बारात पहुंच गए वहाँ दुल्हन के घर और हमारे शॉर्टकट कटीली झाड़ियों के बीच से निकल रहे हम अभी। बहुत टफ रास्ता है, ये देखो राणा जी भी लगे हैं आगे से टफ रास्ते से। रास्ता थोड़ा दूर से है, वो रोड बाय रोड घूम के जाना पड़ेगा उससे, बट हम ऐसे कांटों के बीच से गुजरेंगे, कांटे हैं हमारे रास्ते में। और यहाँ भी आ रहे हैं ये देखो, और हम चल रहे कांटों के बीच से निकलेंगे तभी तो मजा आएगा। कुछ लोग ऊपर से भी आ रहे हैं ये देखो, दौड़ते हुए फुल मजे लेते हुए कांटों के रास्ते, इनके रास्ते में कांटे ही कांटे हैं भाई। ये देखो ये बैठ बैठ के आ रहे भाई, और राणा जी भी आगे गए फुल मजा आ गया भाई आज तो बारात में। जा रहे हैं आप शॉर्टकट यार, क्योंकि बारात पहुंच गई दुल्हन के घर और हम जा रहे भाग भाग के, ये राणा जी फिसलते हुए
उस्ताद जी भी आ रहे हैं हमारे पीछे से। ये देखो सब आ रहे हैं पीछे से। तो हम पहुंचने ही वाले हैं घर, उधर है शादी वाला घर। ये देखो अभी दूर ही है, हम 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में, दिखाते हैं सीधे आपको वहीं जाके आ रहे हैं अभी। ये देखो पियो मारो डका फुल चल रहे बारात में भाई। अभी हम जाते हुए गाइस यहाँ पर शादी में, ये है हमारे मनोज जी। हेलो हेलो गाइस। तो यहाँ पे खाना खाने लग गया, गोविंद जी भी हमारे खाना खाने लग गए और पहुँच गए हम बारात के घर। ये देखो यहाँ पे चल रहा खाना, देखो खा पी के हम बैठ गए अंदर यार। ऐसे ही पुराना घर था, काफी पुराना घर है। देखो जो पुराने जमाने में घर होते थे, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ कुछ नहीं, एक अलमारी है। ये यहाँ पे चूल्हे लगे हैं और यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखी जो पुराने जमाने में इसे चक्की बोलते हैं, मतलब अपने उधर पहाड़ी में चाक बोलते हैं, वैसे इसे आप चक्की बोल सकते हो, हाथ से पीसने वाली। और ये इसका हैंडल है। तो इसमें ऐसे यहाँ पे दाने वो जो गेहूं वगैरह जो भी पीसते थे इसके अंदर डालते थे और ऐसे घुमाते थे, बट ये घूम नहीं रहा अभी। और यहाँ से शायद इसके किनारे से यहाँ से आटा वगैरह निकलता था जो भी पीसा हुआ। ये देखो और बारात जा रही है अब दुल्हन के घर से, दूल्हे के घर की साइड। ये देखो डोली में ले जा रहे हैं दुल्हन को, तो हम भी निकल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।